जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेज एंड शेयर मी चैनल में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीसी भर्ती एग्जाम मॉडल पेपर 2020 के सारे क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगा। 2020 में इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं एनसीसी न्यू एडमिशन भर्ती में। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ये सारे मॉडल पेपर, मेरा एक वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो आप लोग वेबसाइट पर भी जाकर अच्छे से याद कर लेंगे। और मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि मैं एक ऐप भी लॉन्च करने वाला हूं जो कि तेजस एनसीसी आर्मी नेम से ही होगा। तो वेबसाइट और ऐप पर भी आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा क्योंकि उस पर केवल मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर ही अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन है? तो अभी 2020 में सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस चीन के किस शहर से पूरे विश्व में फैला? तो कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से पूरे विश्व में फैला, यानी कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति मिस्टर वेंकैया नायडू हैं। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मान क्या है? तो इसका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे मैथ से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जनरल क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो तिरंगे में 3 रंग होता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो इसका आंसर होगा 3 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। और अगर वंदे मातरम का पूछा जाए तो मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? यानी नॉर्मल साल्ट का बताना है। तो इसका रासायनिक नाम NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCC की स्थापना कब हुई? तो NCC की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले दो वीडियो में, एक में 15 जुलाई और दूसरे में 16 जुलाई भी बताया है, लेकिन आप लोग 16 अप्रैल 1948 ही लिखेंगे क्योंकि गूगल पर सर्च करने पर तीनों ही आंसर देता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन कॉपी चेक करने वाले 16 अप्रैल 1948 पर ही मार्क्स देते हैं, तो आप लोग 16 अप्रैल 1948 ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCC का मोटो यानी उद्देश्य क्या है? तो NCC का उद्देश्य
एकता और अनुशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ से रिलेटेड है, 180 का 5% कितना होता है? तो बगल में देख लीजिए, मैंने सॉल्व किया है, सॉल्यूशन यहाँ कर दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा 9। 180 का 5% 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मरकरी, यानी सीसा, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा शाहजहां, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था? इसका आंसर होगा क्रिकेट, सबसे पहले क्रिकेट इंग्लैंड में ही खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 5 जून, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमा करने के कारण दिन रात होता है, यानी घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कोरोना से फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट कर दी गई है, यानी कि अब उसकी ऊंचाई 161 फीट है, जो कि पहले 141 फीट ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, जो कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि स्वामी श्रद्धानंद ने दी थी, जो कि महान समाज सेवक थे। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे जैसे जैसे जानकारी मिलती रहेगी मैं वीडियोज अपलोड करता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि उन्हें भी NCC एग्जाम्स देने में, किसी भी प्रकार की तैयारी करने में सुविधा हो। और मैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैंने एक वेबसाइट भी क्रिएट कर रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
तो आप लोग वेबसाइट को भी फॉलो कीजिए और वहाँ से भी प्रिपरेशन कीजिए। और बहुत जल्द मैं एक तेजस एनसीसी आर्मी नाम से ही ऐप लॉन्च करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।